हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सेल डाई एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ सिक्रेटरी मटेरियल इन, यानी कि इनमें से किस में सेल मर जाती है सिक्रेटरी मटेरियल रिलीज करने के बाद। होलोक्राइम ग्लैंड, एपोक्राइम ग्लैंड, मीरोक्राइम ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। तो देखिए, होलोक्राइम ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिनकी पूरी सेल में सिक्रेटरी मटेरियल भरा रहता है। अपना मटेरियल सिक्रेट करने के बाद ये सेल मर जाती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, होलोक्राइम ग्लैंड। और इसका एग्जाम्पल है सीबेसियस ग्लैंड, जो कि स्किन में पाई जाती है और सीबम रिलीज करती है, और यह सीबम रिलीज करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, इनमें से कौन एक मिक्स्ड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पैंक्रियास। तो इसका आंसर आप जानते होंगे, पैंक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिसमें कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव टू कैरी देयर सिक्रेशन टू द स्पेसिफिक ऑर्गन, एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रेशन को किसी ऑर्गन तक किस द्वारा ले जाती हैं। कैपिलरीज, ट्यूब्यूल्स, नो डक्ट्स या फिर डक्ट्स। तो इसका आंसर सी, नो डक्ट्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स नहीं पाई जाती हैं। ये अपना सिक्रेशन या हार्मोन डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट कर देती हैं, जो कि ऑर्गन तक पहुंचकर वहां पे अपना इफेक्ट शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। लीवर, पैंक्रियास, टेस्टिस या फिर थाइमस। तो इसका सही आंसर है ए, लीवर, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। इसके अलावा पैंक्रियास, थाइमस एंड टेस्टिस ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, क्योंकि ये सभी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा हार्मोन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। कैल्सिटोनिन, मिलेनिन, थायरोक्सिन या फिर इपिनेफ्रिन। तो टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जिसे हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन बनाता है, एंड ये टायरोसिन हमारी बॉडी में बहुत से हार्मोन बनाता है, जैसे कि एपिनेफ्रिन, थायरॉयड हार्मोन, डोपामाइन, मिलेनिन एटसेट्रा। तो इसका राइट आंसर है ए, कैल्सिटोनिन, जिसे कि टायरोसिन नहीं बनाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इनमें से ऐसे कौन से दो ऑर्गन हैं जो कि केवल एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। थाइमस एंड टेस्टिस, एड्रिनल एंड ओवरी, पैराथायराइड एंड एड्रिनल या फिर पैंक्रियास एंड पैराथायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पैराथायराइड एंड एड्रिनल, क्योंकि इन दोनों ग्लैंड के केवल हार्मोनल फंक्शन ही होते हैं, इसके अलावा इनका और कोई फंक्शन नहीं होता है। GnRH, ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। GnRH जो कि एक थैलेमिक हार्मोन है, रिप्रोडक्शन के समय इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये कहाँ से सिक्रीट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। तो GnRH जिसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से बनता है, एंड ये बनने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को सिक्रीट करता है LH एंड FSH हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसफर्ड टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, एंटीरियर पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन्स। तो हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन की सप्लाई पाई जाती है, जिसके द्वारा GnRH
हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी नर्व सेल? पीनियल, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी? तो देखिए, न्यूरोसिक्रेटरी नर्व सेल मतलब होता है हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स। तो हाइपोथैलेमस न्यूरो हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि हाइपोफाइसियल पोर्टन वेन द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी, एंटीरियर पिट्यूटरी। GnRH सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस मेनली स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ GnRH हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, किसके रिलीज को स्टिमुलेट करता है? थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ADH फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर एल्ड्रोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल्स? तो आप जानते हैं इसका आंसर सी, FSH एंड LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरीसाइट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस, हाइपोथैलेमस, न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर बोथ ए एंड सी? तो पिट्यूटरीसाइट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है बी, हाइपोथैलेमस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GnRH प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस? तो हाइपोथैलेमस से बनने वाले GnRH का इफेक्ट क्या होता है? तो इसका आंसर आप जानते हैं ए, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, यानी कि FSH एंड LH। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, इट इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर इट सीक्रेट एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है बी, इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड केवल हार्मोन्स को स्टोर करती है एंड उन्हें रिलीज करती है, उन्हें बनाती नहीं है, इसलिए ये एक ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन थ्रो सिंथेसाइज्ड एल्सेवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कि बॉडी में कहीं भी बनता है लेकिन स्टोर मास्टर ग्लैंड में होता है? प्रोलैक्टिन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटी डायरूरेटिक हार्मोन या फिर लुटिनाइजिंग हार्मोन? तो इसका आंसर है सी, एंटी डायरूरेटिक हार्मोन या फिर ADH। तो ऐसे दो हार्मोन है जो कि हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH, जो कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं लेकिन स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट पिट्यूटरी डिपेंडेंट, इनमें से किस हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड पर डिपेंडेंट नहीं है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेस्टोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 6 हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसका ट्रिक है FLAT फ्लैट, PIG पिग। तो उसमें F4 है FSH, L4 LH, A4 ACTH, T4 TSH, P4 प्रोलैक्टिन एंड I4 कुछ नहीं है एंड G4 GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो ये सभी हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। देखिए, जिसमें से पैराथायराइड हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता है। पैराथायराइड का सिक्रेशन ब्लड में मौजूद कैल्शियम पर डिपेंडेंट होता है, जबकि ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि T3 है थायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन LH के कंट्रोल में होता है, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ACTH के कंट्रोल में होता है। तो ये सभी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। द लोब ऑफ पिट्यूटरी डैट सिक्रीट मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है? एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब ईयर या फिर नॉन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है सी, इंटरमीडिएट लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट या फिर बीच के लोब से MSH या फिर मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होता है, जो कि स्किन के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय? यूरिन की कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? MSH, ADH, ऑक्सीटोसिन या फिर ACTH? तो इसका राइट आंसर है बी, ADH, जिसे कि एंटी डायुरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेशन भी कहते हैं, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है एंड ये नेफ्रोन के DCT में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूरिन मोर कंसंट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये यूरिन से सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका राइट आंसर है बी, ADH। द कंडीशन इन विच द किडनी फेल टू कंजर्व वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन ड्यू टू इम्पेयर्ड ADH सिंथेसिस और रिलीजन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें किडनी वाटर को कंजर्व नहीं कर पाती हैं, जिससे वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये एक ADH के इम्पेयर्ड सिंथेसिस से होता है। तो ये कौन सी बीमारी होती है? ग्रेव डिसीज, एडिशन डिसीज, डायबिटीज इंसिपिडस, क्रेटनिज्म या फिर एक्रोमिगेली? तो इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि ADH हार्मोन की कमी से होती है। ADH हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुले निकलता है एंड नेफ्रोन के DCT में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कराता है। इसके ना होने से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वाटर का लॉस लगातार बॉडी से होता रहता है। इस बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी डज नॉट प्रोड्यूस दिस हार्मोन। तो पार्स डिस्टेलिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें पूछा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी इनमें से कौन सा हार्मोन नहीं बनाती है। तो देखिए, हमने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन बनते हैं, जिनका ट्रिक है फ्लैट पिग, जिसमें F4 है FSH, L4 LH, A4 ACTH, T4 TSH, P4 प्रोलैक्टिन एंड G4 GH। तो देख लेते हैं पहला हार्मोन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस नहीं होता है। सेकंड वैसोप्रेशन, ये भी नहीं होता है। थर्ड है प्रोलैक्टिन एंड फोर्थ है ग्रोथ हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये दोनों हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं, जबकि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से एंड वैसोप्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ई, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड वैसोप्रेशन आर नॉट सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। डायबिटीज इंसिपिडस इज रिलेटेड टू, डायबिटीज इंसिपिडस किससे रिलेटेड है? ADH, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन या फिर TSH? तो आप जानते हैं ADH की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिसमें नेफ्रोन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ए, ADH। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी? किडनी में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो आप जानते हैं इसका आंसर है ए, ADH या फिर वैसोप्रेसिन, जो कि DCT में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिसमें वाटर का लॉस होता है।